लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। दक्षिण दिशा के किसी घने वन में एक बाघ रहता था। अपनी जवानी में उसने अपने बल एवं पराक्रम से सारे वन में आतंक फैला रखा था, किंतु जब वो बुढ़ा हो गया तो उसकी शक्ति क्षीण हो उठी। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन की प्राप्ति करने में असमर्थ हो गया। तब उसने मन में विचार किया, इस विश्व में शक्ति एवं बल से क्षीण होकर जीवित रहना नरक में रहने के समान है। जो वन्य पशु मुझे देखकर ही भय से निश्चल हो जाते थे, वो मेरे सामने से मुझे चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे किसी ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई ये पंक्तियां स्मरण हो आई। जब शारीरिक बल क्षीण हो जाए तो बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। बल के अभाव में बुद्धि ही किसी कार्य को सफल बनाती है। बाघ अपनी गुफा में गया और उसने स्वयं के द्वारा खाए गए मनुष्यों के सामान में से एक रत्नों से जड़ा बहुमूल्य कंगन एवं चंदन आदि ढूंढ निकाला। वो कंगन लेकर एक ऐसे तालाब के समीप गया जिसके किनारे से लोगों का आना जाना लगा रहता था। बाघ ने स्नान करके चंदन घिसकर लगाया, यज्ञोपवीत पहन लिया, फिर दाएं हाथ में कुश एवं बाएं हाथ में कंगन लेकर मंत्र पाठ करता हुआ बोला, हे पथिको, भगवान भास्कर ने मुझे ये कंगन दान में देने की प्रेरणा दी है। जो भी व्यक्ति स्वयं को उचित पात्र समझता है वो आए और स्नान करके विधिवत दान के रूप में इस कंगन को ले ले। लोगों ने बाघ की बात सुनी। कंगन बहुमूल्य था, परंतु वो इतना भी बहुमूल्य नहीं था कि वो बाघ जैसे हिंसक जंतु पर विश्वास कर लेते। वो अपने गंतव्य को चले गए। उन लोगों में से एक ब्राह्मण भी था जो कई शास्त्रों का ज्ञाता था और विदेश से धन कमाकर अपने घर जा रहा था। उसने मन में सोचा, यदि ये कंगन मुझे मिल जाए तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। यद्यपि इसमें प्राणों के जाने का भय है, तथापि पुरुषार्थ के बिना धन किसे प्राप्त होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र में गहरे गोते लगाने से जिन्हें भय लगता है उन्हें लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। ब्राह्मण ने डरते हुए बाघ से पूछा, तुम तो प्रकृति से ही हिंसक हो, तुम्हारा विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है? बाघ ने कहा, आपका संदेह करना उचित ही है, यही इस विश्व की रीति है। लोग अपनी मान्यताओं के बंधन में बंधे हुए हैं। गाय का मांस खाने वाले ब्राह्मण को तो प्रणाम कर सकते हैं, परंतु उपदेश करने वाले सात्विक बधिक का विश्वास नहीं कर सकते। बाघ होने के कारण मैंने भी इस वन में बहुत अत्याचार किए हैं, किंतु जब एक दिन सूर्य देवता ने स्वप्न में मुझे बहुत फटकारा और कहा कि मुझे हिंसा छोड़कर धर्म में ध्यान लगाना चाहिए, तो तब से मैंने समस्त पाप कर्म छोड़ दिए हैं। अब तो मैं इस सांसारिक जीवन से इतना निर्लिप्त हो गया हूँ कि अपने पास का ये बहुमूल्य कंगन भी दान में दे देना चाहता हूँ। बाघ ने धारा प्रवाह धर्म, नीति, दान एवं अहिंसा के महत्व पर बोलना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने सोचा, इतना विद्वान और दार्शनिक प्राणी हिंसक कदापि नहीं हो सकता। वो दान लेने के लिए तैयार हो गया। तब बाघ ने कहा, वो तालाब में स्नान करके आ जाए। उसने तालाब का एक किनारा संकेत से इंगित कर दिया। ब्राह्मण जो ही स्नान करने तालाब में उतरा, दलदल में फंस गया। बाघ ने ये देखकर कहा, ओह, तुम संभवत दलदल में फंस गए हो, ठहरो, मैं आकर तुम्हें निकालता हूँ। वो धीरे धीरे ब्राह्मण के समीप गया, फिर वो उसे दबोचते हुए हंसा और बोला, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू इतना बड़ा विद्वान होकर भी ये नहीं समझ सका कि ज्ञान धर्म शास्त्र का ज्ञाता होना या चंदन तिलक लगाकर यज्ञोपवीत धारण करना किसी प्राणी की सच्चरित्रता और पवित्रता की निशानी नहीं है। इस विश्व में
कोई भी कण प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों का त्याग नहीं कर सकता। अग्नि कभी शीतलता प्रदान नहीं करती, नहीं हीम से ताप की प्राप्ति हो सकती है। और वो ब्राह्मण को मारकर खा गया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है।